नमस्कार दोस्तों, आज के समय में पढ़ाई और सफलता का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो सोशल मीडिया का दुरुपयोग बढ़ता चला जा रहा है। स्टूडेंट या लोग लगातार इसके एडिक्ट होते चले जा रहे हैं और अपने समय का बहुत बड़ा हिस्सा वो सोशल मीडिया पर, चाहे वो व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इस पर वो देते चले जा रहे हैं। और उनके अपने लॉजिक होते हैं, शुरुआती दौर पे वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वो लॉजिक दे सकें कि हम विकिपीडिया का प्रयोग करेंगे, हम गूगल के माध्यम से एजुकेशन लेंगे, हम यूट्यूब पर अच्छी एजुकेशनल वीडियो देखेंगे। और धीरे धीरे ऐसा होता है कि उनका टाइम धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए चैटिंग पर, फोटो लगाना, लोगों के स्टेटस अपडेट करना, इस पे वो लगे रहते हैं। हालात ये तक होते हैं कि लोग इतना एडिक्ट हो जाते हैं कि 5-5 मिनट में अपने स्टेटस अपडेट करना शुरू कर देते हैं। वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये लगातार वो अपडेट करते रहते हैं। और उस पर फिर वो काउंट करते रहते हैं, इस पे कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने देखा, वो बार बार उसको देखते रहते हैं। ऐसे में धीरे धीरे उनके दिमाग में एक एडिक्शन पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। ये एडिक्शन बड़ा ही खतरनाक होता है। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे किसी व्यक्ति को सुबह उठकर चाय पीने की आदत है, उसको निकोटीन शॉट की आदत है, और अगर उसको चाय ना मिले तो उसका दिन खराब होने लगता है, सर दर्द शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर वो सोशल मीडिया को बार बार जो है वो ना चेक करें तो उनको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में ये एडिक्शन आपकी पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। और स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा कि सर हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं या इसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो सोशल मीडिया है वो बुरा नहीं है। सोशल मीडिया पानी की तरह होता है। पानी को आप चाहे बॉटल में डालिए, जग में डालिए, ग्लास में डालिए, उसको जिस बर्तन में डालेंगे वो उसका वही रूप ले लेगा। इसी तरह सोशल मीडिया भी अगर आपका माइंड मैच्योर नहीं है, माइंड करप्ट है, तो वो धीरे धीरे करप्ट होता चला जाएगा। इसी सोशल मीडिया का प्रयोग करके अरब स्प्रिंग को स्थापित किया गया था, अरब क्रांति को लाया गया था, तमाम जो है रिवोल्यूशंस हुए थे, आंदोलन खड़े किए गए, और यही सोशल मीडिया आपके दिन का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाता है। अब सवाल है कि इस पैटर्न से छुटकारा कैसे पाया जाए। जो बेसिक नियम है वो ये होता है, मैच्योर माइंड और इमैच्योर माइंड। जो मैच्योर माइंड है, दृढ़ संकल्पित है, जिसका अपने ऊपर बहुत कमांड है, वो आराम से इसको मना कर सकता है, नहीं मुझे इतने टाइम तक सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना है। वो सिंपल एक टाइम टेबल बना देगा और उसमें अपने लिए एक टाइम स्लॉट फिक्स कर देगा कि शाम को 5 से 6 बजे ही मुझे इसको यूज़ करना है, अदरवाइज इसको यूज़ नहीं करना है। और ये नियंत्रण के माध्यम से वो आसानी से इससे छुटकारा पा सकेगा। पर ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अब सेकंड वाले में बात करते हैं कि जब ये एडिक्शन का रूप ले ले और सोशल मीडिया के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा। सिंपल सा, अपने फोन को 200 में बांटिए। एक आप बेसिक फोन लेकर आइए कम्युनिकेशन के लिए, जो आज के समय में सेकंड हैंड भी अवेलेबल है, बहुत सस्ते फोन है, आप उनको लेकर आइए, उसमें अपना सिम डालिए, जिससे आपको बातचीत करनी वो आप कर सकते हैं। या आप अगर स्मार्टफोन भी लेकर आना चाहते हैं तो ऐसा स्मार्टफोन लेकर आइए जिसमें इंटरनल मेमोरी या आपकी जो रैम है वो काफ़ी कम हो। जब रैम कम होती है तो वो जो हैवी सॉफ्टवेयर है जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इनको वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसका सिर्फ आप एक प्रयोग करिए, वो ये है कॉल उठाने के लिए, और इसमें आप इंटरनेट का जो डाटा है वो आप लगा सकते हैं। अब अपनी पढ़ाई, जिसके लिए आपने शुरुआती दौर में बढ़िया सा महंगा मोबाइल खरीदा था, उसकी जगह पर आप एक टैबलेट या ऐसा फ़ोन लेकर आ सकते हैं जिसमें आप सिम ना डालें, या सिम अगर डालते हैं तो उसमें डाटा रिचार्ज ना कराएं। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो आप या तो वाईफाई का प्रयोग कर सकते हैं, या जो पहला फ़ोन है उसका हॉटस्पॉट बनाकर आप उसमें पढ़ सकते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि जो एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं लेती हैं और वो कम डाटा में भी काम कर सकती हैं। ऐसी कंडीशन में जो आपका फ़ोन है, जिस फ़ोन में आपका इंटरनेट पड़ा है, उस पर आप जो है वो व्हाट्सअप और ये तमाम सोशल मीडिया को यूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जिसमें कैपेसिटी है उसमें आप इंटरनेट के लिए आप ये ऐप डालेंगे नहीं, और वो केवल और केवल पढ़ाई के लिए आप डिवोट करेंगे। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, PIB, गूगल, विकिपीडिया, जिसके लिए आपने शुरुआत की थी, वही आप एक्चुअली में उद्देश्य को आप इस्तेमाल करेंगे। तो इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं होगा, आपको जो है वो दो आलम्बन मिल जाएंगे कि हमें जो है वो किस तरह अपनी कॉलिंग को और अपने डाटा को अलग अलग करके रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप सोशल मीडिया से एक दूरी बनाकर रख सकते हैं, जो उसके निगेटिव इम्पैक्ट हैं। साथ ही साथ जो चैट ग्रुप्स हैं उनको छोड़ने की कोशिश करिए, या जहां पर केवल एजुकेशनल चीज़ें मिले वहीं पर आप काम करिए। जैसे कि जब हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है तो उसमें हमने जो है वो चैटिंग पे बैन लगाया। कई बच्चों ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, उसमें एक समय नुकसान होता था। आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं,
हम आपको जो एजुकेशन जो पीडीएफ दे रहे हैं केवल आप उसको लीजिए और पढ़ाई करिए। आप क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके लिए आप चैट को आप बहुत ज़्यादा इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, और अपने समय को सीमित करके रखिए। सोशल मीडिया का एक और जो नुकसान निकल कर आ रहा है वो है वो धीरे धीरे आपको ट्रोल्स के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। जब आप किसी के सामने फेस टू फेस बात करते हैं तो अपनी अभिव्यक्ति, अपना माध्यम, अपनी बॉडी लैंग्वेज और शुचिता, इन सभी को आप मेंटेन करके रखते हैं, राइट। हमें पता है कि हम किसी के साथ सामने अगर कोई मेरा सीनियर है, मेरा बड़ा है, मैं उससे निगेटिव बात नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया आपकी सारी आइडेंटिटी को एनोनिमस कर देता है। आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो आप अपने टीचर को, अपने गुरु को, पॉजिटिव किसी को कुछ भी आप जो उसके कमेंट बॉक्स में डाल दो, कभी कोई गालियां लिख देता है, कभी कुछ कर देता है, तो शुरुआत में ये सामने वाले को ऐसा लगता है कि हम बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको नहीं पता चलता कि ये आपकी आदत का हिस्सा होता आ रहा है। और जब समाज में ऐसे लोग दूसरों के सामने जाते हैं तो या तो भयवश वो किसी से बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, या जब वो कम्युनिकेशन करते हैं तो वो ऊटपटांग बोलते हैं, जिसका उनको बहुत भयानक दंड मिलता है, चाहे वो फिजिकल जो है दंड के रूप में हो, या कई बार इंटरव्यू में अगर वो बैठे हुए हैं और वो कुछ ऊटपटांग बोल जाते हैं और वहां उनके जीवन का जो स्वर्णिम मौका होता है वहां से निकल जाता है। सो धीरे धीरे ये जो टेंडेंसी है लोगों की कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और ये देखा जा रहा है जो यूथ है वो अपने घरों में अपने पेरेंट्स को बहुत पटांग बातें बोल देते हैं, ये जो चीजें हैं वो उनके रिश्तेदारों में, उनके घरों में धीरे धीरे प्रवेल करती चली जा रही हैं। तो कोशिश करिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कंट्रोल्ड करिए, क्रिएटिव करिए, पॉजिटिव करिए। जहां चीजें आपके हित में नहीं है उन चीजों को आप छोड़ना शुरू कर सकते हैं, आप उनसे अपना अवॉइड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप व्हाट्सएप यूज ना करें या इंस्टाग्राम यूज ना करें, इनको करें लेकिन लिमिटेड करें। इनको करें तो हमेशा सचेत रहें कि इसका निगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। आप चाहे तो अपने फोन के वॉलपेपर में डाल सकते हैं कि मुझे सिर्फ एक लिमिटेड समय तक के लिए ही व्हाट्सएप या फेसबुक यूज करना है। याद रखिएगा, एक अंतिम बिंदु आपको बताऊंगा, आज आप दुनिया से बात करने के लिए बहुत परेशान है, लेकिन आज आप दुनिया से अलग होकर सब अपने आप को सबसे काट कर और अगर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे और अगर आप सफलता प्राप्त करेंगे तो यही दुनिया है जो आपसे बातचीत करने के लिए परेशान रहेगी। सवाल यह है कि आप किधर खड़ा होना चाहते हैं, आज लोगों से अपनी फोटो लाइक कराना चाहते हैं या कल अपनी फोटो को उनकी डीपी उनके स्टेटस में लगवाना चाहते हैं, यह तय आपको करना है, लेकिन इसको पाने के लिए आपको जबरदस्त समर्पण, जबरदस्त त्याग से होकर गुजरना पड़ेगा। और उम्मीद है कि यह जो मोटिवेशन है, यह जो पॉइंट है कि मुझे अपनी फोटो लाइक करवाने के लिए अनुरोध नहीं करना है, मुझे अपने काम ऐसे रखने, अपनी सफलता को ऐसा बोलना है, अपनी सफलता को ऐसा करना है कि लोग खुद बखुद मेरी फोटो को अपने स्टेटस पे, अपने डीपी पे लगाएं, मेरी सफलता का गुणगान करें, और अगर मैं एक मोमेंट भी अपने व्हाट्सएप या फेसबुक पे अपडेट करता हूं तो उसके पीछे हजारों लाखों की लाइक की भीड़ लगी हो। और तमाम ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। तो दोस्तों, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को मुझ तक भेजें। जो समस्याएं होंगी उनका समाधान लेकर मैं जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा। अपने दोस्त को बता दें। धन्यवाद।